हेलो दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। और आप देखिए कि 12% से ज्यादा स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली है। एंड ओवरऑल अगर आप लास्ट वीक या लास्ट मंथ देखोगे तो आलोक इंडस्ट्रीज काफी दबाव में दिखाई दिया, काफी डाउन ट्रेंड में दिखाई दिया है। उसके बावजूद भी देखिए 2% 3% की अगर ग्रोथ आती है स्टॉक में तो वो नॉर्मल है, ठीक है। लगातार स्टॉक हमारा गिरावट में नहीं रहता है, बट 2% 3% ग्रोथ आ रही है, इसका मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग डे है हमारा। बट 12 साढ़े 12% की अगर ग्रोथ आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट आता है कि क्या स्टॉक में आप तेजी बढ़ने की संभावना हो गई है, क्या यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, बाइंग करते हो अगर आप तो कितना टारगेट करके चल सकते हो, ठीक है। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात आलोक इंडस्ट्रीज की करें तो देखिए छोटा स्टॉक है, उसके बावजूद भी जो एक वॉल्यूम आता है इसमें वो बहुत गजब का है। 59-60 मिलियन का वॉल्यूम आज भी ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, जो कि काफी बेहतरीन है। जब छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है हमारा। और लास्ट वीक आप देखोगे या पिछला आप डेटा देख लो इस साल का ही, अगर 2 से 1.5 महीने का, 2 से 2.5 महीने का, तो वहां पर भी एक गिरावट का माहौल देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी अगर इतने ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड किया गया है तो यहाँ पर FIIs ने बहुत अच्छी खासी बाइंग की है, या फिर DIIs की यहाँ पर पैसा लगा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को अक्सर थोड़ा सा ट्रेंड को देख कर ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। और ट्रेंड इसका जो था वो काफी गिरावट के माहौल में था, उसके बाद भी अगर यहाँ पर खरीदारी आई है तो कोई बड़ा प्लेयर ही यहाँ पर एंटर हुआ है, ठीक है। कोई बल्क या ब्लॉक डील हुई है या फिर कोई बड़ी खबर आई। खबरों की अगर हम बात करें आलोक इंडस्ट्रीज में तो कोई ऐसी बहुत बड़ी खबर नहीं है जिसका इतना ज्यादा असर मार्केट पर दिखाई दे। तो यहाँ पर बाइंग साइड काफी ज्यादा था, अगर आपने नोटिस किया हो यहाँ पर आज दिन में ट्रेडिंग सेशन में तो काफी अच्छा खासा बाइंग साइड, यहाँ काफी हेफ्टी बाइंग साइड था यहाँ पर, और उसका ही असर देखने को मिला है। और वो एक चीज आप डिलीवरी परसेंटेज में भी देखोगे कि 26 फरवरी को सिर्फ 10 मिलियन के आसपास का शेयर ट्रेड हुए हैं, उसके बाद 9 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं, उसके बाद 7 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं, बट आज यानी 3 मार्च को यहाँ पर 71 मिलियन से ज्यादा शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं NSE प्लस BSE। ये जो ऊपर आपको 59 मिलियन दिखाई दे रहा है ये सिर्फ NSE का डेटा है हमारा, बट NSE प्लस BSE मिलाएंगे तो वहां पर 72 मिलियन के आसपास शेयर्स हमारे ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। एंड 34% के आसपास की डिलीवरी रही है, तो 25 मिलियन शेयर्स हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए गए हैं, तो ये बहुत बेहतरीन है। और इतनी ज्यादा बाइंग होती है तो स्टॉक में आप आगे भी इस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात बाजार की करें थोड़ी सी, तो बाजार देखिए काफी रिकवर कर रहा है हमारा, काफी तेजी से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है बाजार में, और उसका असर भी हमें देखने को मिलेगा। जो एक मैं बाइंग के लिए कह रहा था आपको, तो आप देखिए यहाँ पर आज का जो दिन रहा है हमारा, FIIs ने लगभग 2,2100 करोड़ के आसपास का माल बाजार में खरीदा है, और DIIs भी अब नेट बायर्स में आ गए हैं। 400 करोड़ के आसपास का माल DIIs ने भी यहाँ पर बाय किया है, तो देखिए ये मोमेंटम तो आगे जारी नहीं रहेगा हमारा, वो श्योर है ना। तो आपने क्या करना है, आपने बस ट्रेंड को फॉलो करना है। आलोक इंडस्ट्रीज अगर हमने बाय कर रखा है, मैंने पहले एक होल्ड करने के लिए बोला था आपको, और चार्ट देखोगे तो एक सपोर्ट जोन हमारा होता है 21 रुपए 20 पैसे का, और दूसरा सपोर्ट जोन हमारा बनता है 20 रुपए 40 पैसे का। दोनों सपोर्ट जोन आपको वॉच करने हैं, और दोनों ही रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहे थे, पर दोनों रेजिस्टेंस आज ब्रेक हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अपर साइड की अगर हम बात करें तो एक टारगेट हमारा 22 रुपए 65 पैसे का भी रहेगा कल के बाजार में। अगर 22 रुपए 65 पैसे ब्रेक होता है हमारा तो ये आसानी से 23 रुपए 23 रुपए 50 पैसे तक का स्टॉक जाएगा, ठीक है। तो अपर साइड में 22 रुपए 65 पैसे का लेवल आपको वॉच करना है कल के मार्केट में, और डाउन साइड में 21 रुपए 20 पैसे और 20 रुपए 40 पैसे का, दोनों लेवल आपको वॉच करने हैं। बात अगर ट्रेंड की करें तो आप देखिए इस स्टॉक में मैग्डी हमारा बुलिश जोन में आ चुका है, बुलिश क्रॉसओवर में है, और हिस्टोग्राम जो है वो भी अपर साइड में बन रहे हैं, तो काफी पॉजिटिविटी आई है। RSI हमारा 64 हो चुका है डाउन साइड से यहाँ से, तो यहाँ पर थोड़े से ट्रेडिंग सेशन अभी ग्रीन जोन में बनने की संभावना पूरी पूरी है। होल्ड कीजिए, बाय नहीं करना है इस स्टॉक को, होल्ड करते हो तो अच्छा खासा पैसा आप इस स्टॉक में बनाओगे। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आप ही क्या राय है आलोक इंडस्ट्रीज को लेके, बाय करना है, कर रहे हो, सेल कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना, कुछ पूछना हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।